तो दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के महान बल्लेबाज किंग यानी विराट कोहली का जन्मदिन है आज 5 नवंबर को। किंग कोहली 34 साल के हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार विराट कोहली जन्मदिन अपना ऑस्ट्रेलिया में मना रहे हैं, जहां वो भारतीय T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 नवंबर 1988 को जन्मे किंग कोहली क्रिकेट की दुनिया में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो या T20 हो, उनका बल्ला तीनों ही फॉर्मेट में जमकर गरजता है। लेकिन विराट का बल्ला पिछले 3 सालों से खामोश था। वो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। एशिया कप 2022 से किंग कोहली अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं और वो टीम इंडिया के लिए एक के बाद एक मैच जीता उपारियाँ खेल रहे हैं। तो ऐसे में विराट कोहली को वापसी के बाद आइए नज़र डालते हैं 3 बेस्ट पारियों पर जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। तो आइए नज़र डालते हैं उनके पारियों पर। तो दोस्तों, 2022 के सबसे यादगार पारी 61 गेंद में 122 रन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप 2022 में सुपर फोर के आखिरी मैच में 34 वर्षीय विराट कोहली ने 1021 दिन के बाद अपना 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। यह शतक सिर्फ विराट कोहली या टीम इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम था। जी हाँ दोस्तों, विराट के 71वें शतक का फैंस का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में जब उन्होंने शतक लगाया तो सभी फैंस खुशी से झूम उठे। विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ 200 के तेज स्ट्राइक रेट से नबाद 122 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के लगे थे। विराट की पारी सभी के लिए बेहद खास रही। इस पारी की बदौलत उन्होंने एक बार फिर से रन बनाना शुरू कर दिया। तो आइए बात करते हैं दूसरा पारियों की, जो उन्होंने 53 गेंद में 82 रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, इस पारी को खेलने के बाद उन्होंने खुद कहा कि ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट पारी है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच शानदार मैच में विराट कोहली ने एक और शानदार पारी खेली और अकेले दम पर वो मैच जीत लिया जो भारत हार गया था। एक समय भारतीय टीम 31 रन पर आउट हो गई थी। कप्तान रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में विराट कोहली ने मुश्किल हालात में आए हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पारी को संभाला और अविश्वसनीय पारी खेली। भारत को 8 गेंद में 28 रन चाहिए थे। ऐसे में रन मशीन कोहली ने हरीश रावत की 2 गेंद पर 2 छक्के लगाकर मैच का रुख ही बदल दिया और भारत की 4 विकेट की जीत में कोहली की अहम भूमिका रही। उन्होंने 53 गेंद में 154.72 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नबाद 82 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उनके तीसरे पारियों की। तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 44 गेंद में 64 रन की नबाद पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ एक और शानदार अर्धशतक लगाया, जिसमें टीम इंडिया बांग्लादेश को 185 रनों का लक्ष्य देने में सफल रही। विराट कोहली ने 145.45 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंद में नबाद 64 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 1 बड़ा छक्का भी लगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं मैच की बात करें तो डकवर्थ सिस्टम की वजह से भारत ने यह मैच 5 रन से जीत लिया। इसके अलावा विराट को बांग्लादेश के खिलाफ उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, यही है विराट कोहली यानी किंग कोहली के कभी न भूलने वाली पारी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, किंग कोहली भारत को वर्ल्ड कप इस बार जिताएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।